मेरी बात सुन रहे हो सर? लिखो जी यू आई बेस्ड एडिटिंग, टॉपिक लिखो जी यू आई बेस्ड एडिटिंग। हेलो, अरे मेरा बात सुन रहे हैं? मेरा सर अच्छा, लिखो जी यू आई बेस्ड एडिटिंग, जी यू आई बेस्ड एडिटिंग। हेलो सर, हमारा यूनिट है क्या जी यू आई बेस्ड एडिटिंग कॉमा सेपरेट सीट, सेपरेट सीट। अंकित, अनल और पल्लवी माइक ऑफ करो सर। दीपू, दीपू मेरी बात सुन रहा है? माइक को ऑफ करो दीपू। हाँ देखो, जी वाई बेस्ड एडिटिंग सेपरेट शीट टेबल एंड प्रेजेंटेशन, ये तुम्हारा यूनिट का नाम है। क्या नाम है? जी वाई बेस्ड एडिटिंग सेपरेट शीट कॉमा टेबल एंड प्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑफिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन लिखना, यूनिट थ्री टू खत्म हो गया। हाँ तो का नोट हो जाएगा, ठीक है। लिखिए व्हाट इज ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। दीपू माइक ऑफ करिए अपना, कमल माइक ऑफ है तुम्हारा, ठीक है। अंजलि है कोई? अंजलि, अंजलि, अनिल, पल्लवी माइक ऑफ करिए। लिखिए ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमा, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमा, कॉमनली नोन एज ओपन ऑफिस लिख लिए। ओपन ऑफिस कॉमा इज ए डिसकंटिन्यूड, इज ए डिसकंटिन्यूड ओपन सोर्स ऑफिस टूल। हाँ फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमा कॉमनली नोन एज ओपन ऑफिस इज ए डिसकंटिन्यूड ओपन सोर्स ऑफिस टूल।
ऑफिस सूट, ओपन सोर्स ऑफिस सूट, एस यू आई टी ई सूट. इट वाज कॉमा नहीं इसका फुल स्टॉप. इट वाज एन ओपन सोर्स वर्जन ऑफ अर्लियर स्टार्ट ऑफिस. It is an open source version of the earlier Star Office. Source version के बाद क्या बोले? क्या एक बार रिपीट कर दीजिए. अच्छा फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं. लिखिएगा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमा कॉमनली नोन एज ओपन ऑफिस इज डिसकंटिन्यूड ओपन ऑफिस ओपन सोर्स ऑफिस सूट. It was an open source version of the earlier Star Office, which Sun Microsystem. माइक ऑफ कर लो पवन. पवन माइक ऑफ करो. दीपू माइक ऑफ. सुभाष माइक ऑफ करो. तो सुभाष प्रवीण पल्लवी अंकित माइक ऑफ करिए. प्रवीण पल्लवी माइक ऑफ करिए. जब बोलना होगा तब ऑन करिएगा. पल्लवी माइक ऑफ करिए. ठीक है. हाँ लिखिएगा विच कॉमा ओपन ऑफिस फिर विच सन माइक्रो सिस्टम एक्वायर्ड इन 1999 for internal use. लिखिए को एक बोल दीजिए. लिख लिए हैं तब. यस सर. ठीक है. हाँ पैराग्राफ चेंज करना. ओपन ऑफिस इंक्लूड ए सर ये है क्या अच्छा समझा दीजिए ना. ओपन ऑफिस पहले लिखवा देते हैं. ओपन ऑफिस जो है ना तुम्हारा ये जो चैप्टर है ऑफिस में ऑफिस का वर्क जितना होता है जैसे तुम्हारा एमएस वर्ड हुआ ठीक है. एमएस एक्सेल हुआ. एक्सेल क्या है बिजनेस सेक्टर के लिए होता है या किसी भी डाटा को आंकड़ा निकालने के लिए होता है. प्रेजेंटेशन देना है तो पावर पॉइंट पे काम करते हो तुम लोग उसके बारे में ठीक है. इसी सब चीज के बारे में इसमें पढ़ना है. और सारा जितना टूल्स है वर्ड में है एक्सेल में है एक्सेस में है ठीक है एमएस पावर पॉइंट में सब को जोड़ दोगे तो एक ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जिसके तहत इतना सारा काम होता है. ठीक है चलो जैसे पीडीएफ वगैरह चेंज करते हो ना उसको पहले टाइप करते होगे वर्ड में टाइप करते होगे वर्ड से फिर कन्वर्ट करते हो पीडीएफ में
ये सब कहाँ होता है? ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आता है सारा चीज, ठीक है। आप उसके मेनू बार के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेट सीट क्या है ये पढ़ेंगे आगे। तो लिख लीजिए, ओपन ऑफिस इंक्लूड ए वर्ड प्रोसेसर। 99 के बाद क्या होगा? क्या 99 फॉर इंटरनल यूज, इंटरनल यूज। इट इंक्लूड, हाँ, ओपन ऑफिस इंक्लूड ए वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर जिसको हम क्या बोलते हैं, राइटर। उसमें क्या करते हैं, राइट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम राइट करते हैं। तो क्या है, ओपन ऑफिस इंक्लूड्स ए वर्ड प्रोसेसर कॉमा ए सेपरेट सीट कॉमा ए सेपरेट सीट। सेपरेट सीट किसको बोलते हैं? एक्सेल को, जिसमें कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन वाली। ठीक है, कॉमन सेपरेट सीट कॉमा ए प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ए प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। अंकित, अंजलि, माइक ऑफ करिए। आप जान रहे हैं फिर भी आप लोग घर में ना जी, घर में भी बहुत आदमी है जो बात करेंगे तो फिर उससे दिख रहा क्या, और क्लास डिस्टर्ब होगा। कहाँ तक लिखाए थे? हाँ, ओपन ऑफिस इंक्लूड्स ए वर्ड प्रोसेसर कॉमा ए सेपरेट सीट, उसके बाद लिखे कॉमा ए प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ए प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन कॉमा ए ड्राइंग, ए ड्राइंग एप्लीकेशन। कॉमा ए फॉर्मूला एडिटर, ए फॉर्मूला एडिटर, ए फॉर्मूला एडिटर एंड ए डाटाबेस मैनेजमेंट, एंड ए डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एंड ए डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। सर, डाटाबेस मैनेजमेंट कौन से एप्लीकेशन पर होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले एक ही जान लो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखो क्या होता है डाटाबेस, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूछ सकते हो तुम लोग। सबसे पहले ये चीज जानो कि डाटा मतलब कि होता क्या है। ये है क्या, एक डिजिटल डाटाबेस है जिसमें क्या होता है, एक दूसरे से क्या रिलेशन बना हुआ होता है, ठीक है। रिलेशन बना होता है मतलब कि हर एम्प्लॉय का उसमें क्या सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो तुम्हारा मतलब कि उच्च अधिकारी हो, उसमें क्या एक डाटा बाय डाटा तैयार रहेगा उसका। ये चीज है, मान ली इसका इतना महीना का इतना वेतन मिल रहा है, वो सारा चीज उसमें दर्शाया रहेगा। उसका घर कहाँ है, क्या है, नहीं है, एक डाटा टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो लिख सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी कहते हैं, लिख लो व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएम लिखिए, डीबीएमएस स्टैंड फॉर डीबीएमएस स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, डीबीएमएस स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर और स्टोरिंग फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर्स डाटा, रिट्रीविंग यूजर्स डाटा। सर फिर से बोल दीजिए। हाँ, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर DBMS stands for
बता था बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर्स डाटा. सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर्स डाटा बाय कंसीडरिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर. सर सिक्योरिटी मेजर. हाँ सिक्योरिटी मेजर. सर रिट्रीविंग का मतलब क्या होगा? देखो हम किसी भी डाटा को पहले तुम्हारे पूरे क्लास का क्या कर रहे हैं, एक डाटाबेस बना लिए जिसमें हर लड़का का इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दिया गया है, ठीक है. और हमको एक एक जरूरत पड़ गया कि किस लड़का का इन्फॉर्मेशन हमको जरूरी है, तो हम जाकर के साइट पे जाकर के उस लड़का का नाम डालते हैं, उसको रिट्रीव कर लेते हैं, वहां से उसको खोज लेते हैं, मतलब कि उस लड़का का क्या है नहीं है सारा चीज हम वहां निकाल लेते हैं, ठीक है. यस लिख लिए. इट कंसिस्ट ऑफ, लिखिएगा नेक्स्ट उसी में पॉइंट में, इट कंसिस्ट ऑफ a group of programs. It consists of a group of programs which manipulate the data. DBMS accept the request for data from an application. A DBMS accept the request for data from an application and instruct the operating system to provide the specific data. लास्ट लाइन लिख लीजिएगा इसी में. DBMS allows users to create their own database as per their requirement. सर एज पर के बाद फिर से बोलिए. सर एज पर देयर रिक्वायरमेंट. रिपीट कीजिए ना. तो फिर से रिपीट करें. लिखो DBMS allows user to create their own database as per their requirement. देखो जैसे बैंकिंग के सेक्टर में क्या है, उसका जो डाटाबेस रहता है उसमें क्या रहता है, जैसे उसमें कस्टमर का इन्फॉर्मेशन रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, अकाउंट एक्टिविटी है कि क्या कितना पैसा निकाल रहा है, कितना पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना लोन लिए हुए है, उसका लोन कितना कट रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में रहेगा. समझ गए? यस सर.
एयरलाइंस वगैरह में देखना, एयरलाइंस होता है जहाँ तुम टिकट वगैरह कटवाते हो, एरोप्लेन से जाना रहता है, कितने यात्री का रिजर्वेशन हुआ है, कितना शेड्यूल में वो यहाँ से डिपार्चर करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। उसको हम क्या बोलेंगे, डाटाबेस, ठीक है, और उस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो हम कहाँ लिखा रहे थे पिछला, सर ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन लिखवाए थे। हाँ, ये फॉर्मूला एडिटर एंड ये डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड ये डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, बस इतना ही रहने देना। सर फॉर्मूला एडिटर किस पे होता होगा? देखो जैसे तुम लोग मैथ पढ़ते हो ना, मैथ में मैट्रिक्स वगैरह है, डिटरमिनेंट्स है, तो इसमें क्या है, एमएस वर्ड में ये सारा फॉर्मूला है रखा हुआ, ठीक है। तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन टाइप होता होगा, तो सोचो क्या कि वो जो हम ये सब देते हैं, मैट्रिक्स देते हैं, क्या ये टाइप कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मूला में जाके हम उसको टाइप किया जाता है, ठीक है। या बहुत सारा डाटा है हमारे पास जिसका तुम लोग का मार्क्स निकालना है, फाइनल मार्क्स कितना आया है टोटल, ठीक है। इंटरनल हम भर दिए हैं, एक्सटर्नल भर दिए, दोनों भर दिए हैं, असाइनमेंट वगैरह सब का मार्क्स भर दिए हैं, लेकिन एक एक लड़का का हम जोड़ जोड़ करके लिखें तो क्या बहुत टाइम लगेगा? लगेगा ना। तो उसका क्या है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया गया है इन एक्सेल के अंदर, ये एक बार में वो क्या करता है, सम कर देता है, जोड़ करके लिख देगा फाइनल कितना मार्क्स इस लड़का को आया है। हमारे पास कोई कैलकुलेटर का जरूरी नहीं है, उसी में कैलकुलेटर इम्बेड है, ठीक है। समझ गए? यस सर। जी सर। चलिए तो ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए वर्ड प्रोसेसर या ए सेपरेट सीट कॉमा ए प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन कॉमा ए ड्राइंग एप्लीकेशन कॉमा ए फॉर्मूला एडिटर एंड ए डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। काफी है इतना। अब आइए लिखिए एमएस ऑफिस, पहला इसमें आता है एमएस ऑफिस, तो लिखिए मैं एमएस ऑफिस हेडिंग दीजिए। तुम लोग के ग्रुप में डाला हुआ है नोट्स पता है? नो सर। नो सर, नहीं डाला हुआ है। यस सर। नहीं डाला है आज लड़का लोग के ग्रुप में, तो कोई डाला भी है दोबारा रिपीट करके डाल दिया है? हाँ सर हम डाले हैं। हम लोग के ग्रुप पे नहीं डाला हुआ है सर। डाले सर, बॉयज के ग्रुप में डाल दीजिएगा। हम डाल ही दे रहे हैं, अभी थोड़ा डाल दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, हम लिखाते हैं ना बहुत टाइम लग जाता है, हम समझा देंगे वैसे में। यस यस सर। सर उसमें सिलेबस से ज्यादा टॉपिक है ना? हाँ कुछ है, जाता है कुछ, जाता भी है, उसको लिखना है या छोड़ देना है? उसको छोड़ देना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख लिए, माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एंड सर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एंड सर एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखिए, हेडिंग दीजिए। लड़की लोग के ग्रुप में चला गया, देखो तो कहाँ आया है सर? नहीं आया है सर। हाँ लिखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट, ऑफिस सूट
सर आ गया आ गया ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फुल स्टॉप नेक्स्ट पॉइंट It was first announced by Bill Gates on first August 1988 at Comdex in Las Vegas. In LAS Las Vegas. EEVEGAS. सर हाँ बोलो सर यहाँ से बोले इट वाज फर्स्ट लॉन्च डेलीगेट ऑन फर्स्ट वाज सुनो इसमें देखो तुम्हारे नोट्स में जो है ना यूनिट नंबर 2 करके दिया हुआ है इसको तुम लोग पढ़ के रखोगे इसको तुम लोग कहाँ तक पढ़ के रखोगे देख लो सब ओपन करो तो व्हाट्सएप पे जाके ओपन करो तो सब 18 2 से 2 या 3 पेज में है तुम लोग का ये चैप्टर देखो ठीक से जाके 2 पेज सेकेंड यूनिट यूनिट 2 है ना सेकेंड यूनिट यूनिट नंबर 2 है 2 नहीं है 3 है लिख दिए हम 2 लिखा गया है समझे ये यूनिट नंबर 3 है और 3 को हम 2 कर दिए हैं 2 को 3 कर दिए हैं इस चीज का ध्यान देना तो ये तुम लोग पढ़ के रखोगे तो ये पेज ये ठीक है पढ़ के रखोगे ना यस सर और इसमें से ही हम समझा देंगे इसको पहले और इसे जो एक्स्ट्रा आता है क्वेश्चन वो हम लिखवाएंगे अगले क्लास में पहले बोल दीजिएगा सर तब ना होगा अभी बोलते हैं आज रात में क्लास ले ले बोलो 8 बजे ले लीजिए सर ठीक है 8 बजे लेते हैं आज क्लास क्लास में कुछ चलता कहाँ है सर क्या क्लास में कुछ चलता कहाँ है सिर्फ वैसे ही बात की होती है तो खत्म हो जाता है आज ये पढ़ करके तुम रखना रात में हम समझा देंगे एक ही तो तीन लिखाए हैं 1 से 2 तक में खत्म हो हाँ ठीक है शाम में हाँ शाम में रात में रात में बोलेंगे
सर नहीं क्या नहा रहे हैं ठीक है ओके हम तुम्हें को बता दे रहे हैं थोड़ी देर में मैसेज कर दे रहे हैं ग्रुप में समझे यस सर Subscribe to my channel and press the bell icon.